ओम शांति। पवित्रता का इतना महत्व है कि भगवान ने कहा, तुम पवित्रता की राखी बांधो तो तुम्हें राजाई का तिलक मिले, तुम इस माया रावण पर विजय प्राप्त करो तो तुम जगत जीत बन जाओ। तो हम सभी कितने महान हैं, कितने भाग्यवान हैं जो भगवान इस तरह हमें गाइड बनकर मिला। सोच लें, मनुष्यों की गाइडेंस से तो दुर्गति हो गई। गुरुओं ने क्या सिखाया हम अच्छी तरह जानते हैं, परंतु स्वयं भगवान जब परम सद्गुरु बनकर हमारे पास आता है और हमें हर जगह मार्ग दिखाता है, तुम ये करो ये न करो, तो कैसे हमें सहज मंजिल मिल जाती है। हम देव कुल की महान आत्माएं थे, फिर विस्मृति की नींद में सो गए थे, अब पुनः हमें स्मृति स्वरूप बनकर जग जाना है। हम जग तो चुके हैं लेकिन हमें पूरी तरह जग जाना है। तीन तरह की नींद है, एक नींद वो जो रोज हम रात को सोते हैं और हम उससे जग जाते हैं, दूसरी नींद वो जो अज्ञान की नींद थी, अंधकार में हम भटके थे उससे भी हम जग गए हैं, और तीसरी नींद होती है विस्मृति की नींद। अब हमें स्मृति स्वरूप होकर पूरी तरह से जग जाना है। तो सवेरे रोज आँख खुलते ही स्वयं को जगाएंगे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनेंगे, विस्मृति की नींद से बाहर आएंगे, और उठते ही पहले संकल्प हमारे बहुत ही सुंदर होने चाहिए। उठते ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ स्वयं को जगाएं कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मुझे बाबा ने अपनी समस्त शक्तियां दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा को थैंक्स दें, बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। सवेरे उठकर सुंदर विचार करें, कुछ सुंदर अभ्यास कर लें, जैसे मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मुझे सारे संसार को दृष्टि देकर निहाल करना है, मैं इस धरा की भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा हूँ। तो सवेरे सवेरे उठकर स्वयं को स्मृति स्वरूप बनाने से हमारा सारा दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा। हम पवित्रता को मजबूत करते चलें, हमारी पवित्रता इस संसार के लिए बहुत बड़े काम की है। जैसे एटॉमिक एनर्जी विनाश का काम करेगी, वैसे ही पवित्रता की एनर्जी स्थापना का महान कार्य कर रही है और भविष्य में पूरी तरह करेगी। बाबा के महावाक्य हैं, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तब ही नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। तो हमें अपनी प्योरिटी को नेचुरल करते जाना है, इस स्वरूप से, इस स्मृति से कि पवित्रता तो मेरा मूल स्वरूप है, यही मेरा असली स्वरूप है, ये माया है, पवित्रता तो बाद में प्रवेश कराई है, ये मेरी चीज नहीं है, ये मुझ में नहीं थी, ये तो मेरा शत्रु है, इस तरह की फीलिंग्स देकर माया के हर स्वरूप को रिजेक्ट करते चलें, स्वीकार न करें, गहराई से विचार करें इस बात पर, स्वीकार न करें, रिजेक्ट करते चलें, तो ये पवित्रता की शक्ति संसार में कमाल के कार्य कर रही है, अब गुप्त है और करेगी जब प्रत्यक्ष होगी। तो आइए आज सारा दिन स्वमान से स्वयं को जगाए रखें कि मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, और संकल्प करें कि मुझे ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर चारों ओर फैलानी है, जिससे इस संसार से माया के जर्म्स नष्ट हो जाते हैं।
तो बाबा ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।